नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल, और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी जिले की जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए करीब 6,58,000 मतदाताओं को अपना मत के प्रयोग करने का मिला अधिकार, यह कहना है भिवानी के चुनाव तहसीलदार जयवीर सिवाज का। उन्होंने बताया कि 22 जिला पार्षदों व 144 ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 826 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के तहत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाए गए हैं। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज हरियाणा में 54 लाख से अधिक मतदाताओं को आज जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए वोट डालने का अवसर मिला। भिवानी जिले के 42 जिला परिषद सीटों तथा 144 ब्लॉक समिति सीटों के लिए जिले के 312 गांवों में 826 पोलिंग बूथों पर मतदान करवाया गया। सुबह 7 बजे से मतदाताओं ने पोलिंग बूथों पर पहुंचना शुरू कर दिया। दिन चढ़ने के साथ मतदान में तेजी देखी गई, जहां बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं मतदान बूथों पर पहुंच रहे थे। वहीं युवा मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिवानी जिले में मतदान शांतिपूर्ण रहा तथा आज संपन्न हुए चुनाव की मतगणना 27 नवंबर को की जाएगी। तब तक ये ईवीएम मशीनें भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सुरक्षित रखी जाएंगी। वहीं भिवानी के चुनाव तहसीलदार जय सिवाच ने बताया कि भिवानी जिला परिषद की 22 सीटों के लिए 243 उम्मीदवार तथा भिवानी ब्लॉक समिति सदस्य के लिए 144 सीटों के लिए 707 उम्मीदवारों के लिए जिले के 826 बूथों पर मतदान करवाया गया है। भिवानी के सभी 7 ब्लॉकों के लिए 7 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा भिवानी के 312 के लगभग गांवों में 6,58,000 के लगभग मतदाताओं को आज वोट डालने का अवसर मिला है। भिवानी में अभी तक बिल्कुल अच्छी पोलिंग चल रही है और हर बूथ पे 2 मुलाजिम अलग से लगाए गए हैं। पैदल पेट्रोलिंग भी लगाई गई है और पेट्रोलिंग बाहर की भी है, और हम भी और भी फोर्स है, काफ़ी है, इनफ है फोर्स। सर, मैं सभी सेक्टर ऑफिसर्स की ओर से आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो सेक्टर ऑफिसर्स की जो इसमें ड्यूटी है वो डायरेक्ट हमारी जिस बूथ के ऊपर है, हम जो भी यहाँ पोलिंग पार्टी है उसके साथ में डायरेक्ट हम अटैच हैं, और जो भी उनकी समस्याएं आती हैं हम फौरन वहां पर पहुंचते हैं और उनकी समस्या का निदान करते हैं। जैसे उनकी बैलेटिंग यूनिट है, ईवीएम में कोई दिक्कत है या और किसी टाइप की, उनको वहां टेक्निकली या एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिक्कत है, हम यहां प्रशासन की सहायता से हर समस्या के उनके समाधान के लिए पहुँचते हैं और सारी समस्याएँ दूर हो रही हैं। देखिए, जिला भिवानी के अंदर हमारे जिला पार्षद के 22 वार्ड हैं, जो कि आज 30 तारीख को निर्धारित समय था वोटिंग का, और सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट है, जो कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और मैंने लगभग आधा दर्जन गाँव का दौरा किया है, उनके सभी बूथों का चेक किया है, पाया गया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से प्यार प्रेम से हर्ष उल्लास से लोग मतदान करने अपने बूथों पर पहुँच रहे हैं, जो कि एक लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है, और बड़े आराम से पीसफुल चुनाव है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत हमारे डीसी सर, उन्होंने बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं जिले के अंदर, सभी तैयारियां अच्छे से आरओ लेवल पे, हमारे जैसे कि 7 ब्लॉक हैं तो 7 आरओज हैं हमारे, उन्होंने सब प्रबंध बड़े अच्छे तरीके से किए हुए हैं। इसमें जिला भिवानी में 6,80,000 मतदाता हैं, जिनमें से 3,10,000 फीमेल, 3,70,000 मेल हैं। यहाँ पे जिला पार्षद के लिए 22 वार्ड हैं, 22 वार्डों में चुनाव है, और बीडीसी के लिए 146 वार्ड हमारी वो सीटें हैं। गुरु के आदेश पर संपूर्ण जीवन समाज व राष्ट्र सेवा के लिए किया समर्पित, यह कहना है स्वामी सदानंद महाराज का। गौरतलब है कि स्थानीय दादरी गेट स्थित महाराज जी के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन रविवार को अभिनंदन पत्र वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ स्वामी सूर्यनारायण महाराज, हजूर महाराज व वेदनाथ महाराज इत्यादि के द्वारा किया गया। स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव एवं स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी 5 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में तीसरे दिन रविवार को अभिनंदन पत्र वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष के उपलक्ष्य
कक्ष में 51 दीप जलाए गए। यह जानकारी श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने देते हुए बताया कि परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव एवं स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में 1 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं तथा कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में महामंगलपुरी धाम सूरत से आचार्य 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज, हुजूर कंवर साहेब महाराज, राधा स्वामी, महंत बैजनाथ जी, मोहन प्रियाचार्य जी, टहल किशोर जी महाराज, स्वामी श्याम आनंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थिति में अभिनंदन पत्र वाचन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर महामंगलपुरी धाम से आचार्य 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज ने मुकुट स्वर्ण एवं पगड़ी पहनाकर तथा आचार्य कृष्णमणि जी महाराज जामनगर एवं संतों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा योग में प्रस्तुति द्वारा दर्शकों को मंत्रमुग्ध भी किया गया। हरियाणा प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव में रविवार को जिला प्रशासन की चाक सौबंद सुरक्षा के अंतर्गत जिला पार्षदों के 22 पार्षदों और ब्लॉक समिति के 144 सदस्यों के लिए भिवानी के 826 मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाया गया। मतदान के दौरान जिले के गांव तिगराना पालवास में मतदान के प्रति लोगों को जोश देखने को ही मिला। ग्रामीणों द्वारा दोनों ही गाँवों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था, जहाँ पर भारी संख्या में मतदाताओं ने कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करके मत का प्रयोग किया। रविवार को जिले के निकटवर्ती वे बड़े गांव तिगड़ाना और पालुवास में जिला परिषद सदस्य वे ब्लॉक समिति सदस्यों का चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव जिला प्रशासन की देखरेख में करवाए गए। इस अवसर पर गांव तिगड़ाना के प्रबुद्ध नागरिकों राजेश तवर, रामपाल तवर, नरेश कुमार व पंडित शिव कुमार इत्यादि ने बताया कि गांव में चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और ईवीएम के द्वारा पोलिंग करवाई जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि गांव में जिला परिषद व समिति के लिए अनेक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं हाँ जी, आज गांव के भिवानी के गांव तिगड़ाना में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए चुनाव का आयोजन किया जा रहा है और आप बड़ी मुस्तैदी के साथ मतदाताओं के पर्चियां बना रहे हैं, वोट बना रहे हैं और उन्हें अंदर लाइन में बना करके भेज रहे हैं। तो आप आज के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? गांव तिगड़ाना में जो आज ये मतदान का पर्व चल रहा है, इसमें हमारा गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और सभ्य आदमियों का गांव है, सभ्य समाज का गांव है। इसके अंदर जो ड्यूटी लगी हुई है उनकी भी बहुत अच्छी तरह से पालन की जा रही है और बहुत अच्छा। भिवानी जिले का सबसे बड़ा गांव तिगड़ाना, जो कि अनेक बातों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर राजनीतिक, धार्मिक और सभी प्रकार के लोग, चाहे वो संतरी हो चाहे मंत्री हो, सभी लेवल के लोग यहां पर रहते हैं और ये गांव विशेषकर भिवानी जिले में प्रसिद्ध है और यहां पर 36 बिरादरी के नागरिक अमन चैन से रहते हैं। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, विश्व में, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो कि एक लोकतंत्र प्रणाली के द्वारा जिसका चुनाव होता है और लोकतंत्र प्रणाली के तहत यहाँ पर अनेक विविधताओं के तहत चुनाव किया जाता है। सबसे पहले स्टेप जो आती है वो पंच सरपंच की आती है, इसके बाद जिला ब्लॉक समिति की आती है और फिर जिला परिषद की आती है। जिला परिषद के बाद विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा, अनेक प्रकार के लेवल्स पर चुनाव किया जाता है। आज इस प्रथम कड़ी के अंतर्गत ब्लॉक समिति और सरपंच के तहत या जिला परिषद पद के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। पूरे भिवानी जिले में 826 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर आज पूरे भिवानी जिले में चुनाव किया जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं भिवानी जिले के गाँव तिगड़ाना में। गांव पालुवास के समाज सेवी नरेश तवर ने बताया कि उनके गांव में भी अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें आशा है कि जिले में करीब 70% के आसपास मतदान हो जाएंगे। अपने जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के मतदान 5 मतदान केंद्र हैं, यहां पर हम मतदान करने के लिए आए। ऐसे व्यक्ति को मतदान करेंगे जो व्यक्ति इलाके के गाँव की प्रोग्रेस का काम करे, खास रूप से आम जनता से जो रूबरू रहता हो और आम जनता की समस्या को अपनी समस्या समझता हो, ऐसे व्यक्ति को मतदान देना
हमारा फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है। और ख़ास रूप से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इलाके के अंदर 36 बरादरी का भाईचारे के साथ मतदान करना चाहिए। हर मतदाता प्रेम से, प्यार से और अपना मतदान का प्रयोग। मेरा नाम रितु है, मैंने मतदान किया है। मैंने मतलब मेरे गांव के विकास के लिए जो सही है उसके लिए मैंने मतदान किया है। और आपसे यही उम्मीद है कि जो सही है उसी को मतदान करें। शाह है, मैं पालवास से हूँ, जिला भिवानी से। और हमने जो वोट डाला है वो बहुत ही अच्छे इंसान भाई सोच विचार का है, उसी को वोट डाला है। हमारे लिए जो अच्छे कार्य करे, जैसे कि हमारे गांव के विकास के लिए हो, हमारे लिए हो, हमने उसी को वोट डाला जो सभी प्रकार से अच्छा हो। लेकिन वादे तो सभी अच्छा करते हैं, लेकिन हमने जो सोच विचार के डाला वोट अच्छे। पालो आज स्कूल में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, अपने तय दिल से पुलिस कर्मचारी जो ड्यूटियां कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। रविवार को जिले के कायला, बडाला, कोट, उमरावत व सांगा इत्यादि गांव में जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव करवाए गए। मतदान के इस त्यौहार में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 6,58,000 मतदाता 22 जिला पार्षदों व 144 ब्लॉक समिति सदस्यों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके तहत आज अनेक गाँव में मतदाता अपने मतपत्र का प्रयोग करने के लिए लाइनों में खड़े होकर अपनी इंतजार करते हुए नजर आए। वार्ड नंबर 5 से प्रीति दीपक सांगा जिला परिषद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक देश में मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वहीं उन्होंने वार्ड नंबर 5 से जिला पार्षद के उम्मीदवार उनकी धर्म पत्नी को ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर उन्हें विजयी बनाने की अपील भी की। जैसा कि आपको पता है कि जिला परिषद के और बीडीसी के मतदान होने लग रहे हैं, हमने अपने पक्ष में निशान चुनाव चिन्ह जीत पे अपना वोट डाल दिया है और शांतिपूर्वक मेरे गाँव सांगा में इलेक्शन चल रहा है। प्रवासियों से अपील करना चाहूँगा, पहले तो सभी गाँव मेरे पूरे वार्ड वासियों बिल्कुल सुख शांति से अपना इलेक्शन करें, आपसी मतभेद ना करें, ये भाईचारे की मिसाल दें और चुनाव चिन्ह जीत को सफलता की ओर लेके जाएं। हमारे बहुत बड़ी इलेक्शन चल रहे हैं भाई साहब, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के बिल्कुल शांति ढंग से चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीत का निशान जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से ज़्यादा वोट डलवाने की हम कोशिश करें हैं, शांतिपूर्वक से हमारा चुनाव चल रहा है। वहीं जब युवा जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से पूजा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है और मैं जिला पार्षद पद की उम्मीदवार हूं। वहीं चुनावी क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए। ऐसा है, लोकतंत्र में मत का अधिकार जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, ताकि जो भी मत का प्रयोग किया जाता है उससे हम देश की सरकारें बनाते हैं। और इसी तरह आज जिला परिषद का चुनाव बीडीसी का हो रहा है, उसमें अपने मत का प्रयोग करके और हमने जिला परिषद और बीडीसी के लिए मतदान किया है, बड़ी खुशी की बात है। मतदान बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ हर जगह, कायला में, बडाला में या सांगा में बिल्कुल शांति प्रिय मतदान चल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत। धन्यवाद। सांगा है, हमने पहले बार मत का प्रयोग किया, हमें लोकतंत्र में मत का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बने बहुत अच्छा बने और अच्छे अच्छे काम करवाए हमारे समाज के लिए। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज हरियाणा में 54 लाख से अधिक मतदाताओं को आज जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए वोट डालने का अवसर मिला। भिवानी जिले के 42 जिला परिषद सीटों तथा 144 ब्लॉक समिति सीटों के लिए जिले के 312 गांवों में 826 पोलिंग बूथों पर मतदान करवा और पोलिंग एकदम बढ़िया चल रही है। हमारे जो SP हैं अजीत शेखाव जी, उन्होंने एकदम बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, कोई भी एजेंट अंदर नहीं घुस रहा, इससे जो है जो गड़बड़ी का जो बिल्कुल चांस खत्म हो गई। मैं हमारे जो बड़े भाई हैं उनकी दादी सूची देवी, वो BDC के उम्मीदवार हैं, तो हम 4 गाँवों में राउंड लगा करके आए थे, अपना नौरंगाबाद एक गाँव है, कोट, कुमकड़ा और रेंगा, सभी गाँवों में एकदम बढ़िया व्यवस्था। अपने जो माननीय विधायक पंचांगा सराफ जी हैं, सांसद धर्मदेव जी हैं और भी अपने जो भी हैं रूलिंग पार्टी जो है, उन्होंने अच्छी व्यवस्था करवा रखी है प्रशासन की। ये 152 नंबर बूथ है, उमरावत गांव में है और सुबह 7 बजे को शुरू हो चुकी थी और अब तक 53 वोट पड़ चुकी है। इससे पहले 6 से 7 में पोल किया है
और अब तक हमारे पास टोटल 63 वोट पोल हो चुके हैं, जिसमें से 33 मेल्स के हैं और 30 फीमेल्स के हैं। रविवार को श्री राधा रानी कृपा परिवार के द्वारा स्थानीय भोजावाली देवी से देवसर धाम के लिए अखंड ज्योत व निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में संस्था प्रधान सचिन सिंगला इत्यादि के द्वारा किया गया। इस अवसर पर लगभग 500 भक्तों के द्वारा उठाए गए निशान को करीब 10:30 बजे देवसर धाम पहुंचाया गया। रविवार को श्री राधा रानी कृपा परिवार भिवानी द्वारा भोजावाली देवी से देवसर धाम की अखंड ज्योत व निशान यात्रा की गई है। वहीं संस्था के प्रधान सचिन सिंगला जी ने बताया कि लगभग 400-500 भक्तों ने निशान भोजावाली देवी से उठा के देवसर धाम चढ़ाया है, जिनमें 7 भक्तों ने बड़ा निशान उठाया। आपको बता दें कि यात्रा सुबह 7 बजे प्रारंभ होकर भिवानी के मुख्य बाजारों से होती हुई 10:30 बजे देवसर पहुंची, जहां देवसर में निशान चढ़ाने के बाद श्री राधा रानी कृपा परिवार और मां भगवती भोजन सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से भंडारे की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए की गई थी। भंडारे में लगभग 800 से 1000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात निःशुल्क भिवानी वापसी की व्यवस्था भी संस्था द्वारा की गई थी। इस निशान यात्रा में पावन सानिध्य महंत चरणदास जी महाराज का रहा। वहीं यात्रा में प्रसिद्ध व्यापारी रघुनंदन जी सिंगला, प्रमुख समाज सेवी प्रेमचंद्र जी तायल सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे। श्री राधा रानी कृपा परिवार के द्वारा दूसरी निशान महोत्सव यात्रा जो आज भोजावाली देवी के मंदिर से देवसर धाम के लिए निकाली गई है, जिसमें श्रद्धालुओं की जमावड़ा जबरदस्त है। लोगों का भीड़ देखकर उत्साह देखने को बनता है और यहाँ पर भंडारे का भी देवसर में आयोजन किया गया है। इसी प्रकार हम हर नवरात्रों में इस ध्वजा यात्रा का आयोजन करते रहे हैं और श्री राधा रानी कृपा परिवार से जुड़ने की सबको कोशिश करा रहे हैं। ये लगभग 300 आदमियों का भंडारा वहाँ रहेगा, 1000 आदमियों का देवसर धाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी भक्तों को जय माता दी कहना चाहूँगा और उसके बाद बताना चाहूँगा कि श्री राधा रानी कृपा परिवार द्वारा ये निशान यात्रा, दूसरी निशान यात्रा आज निकाली जा रही है। पहले निशान यात्रा 5 जून को निकाली गई थी और इसमें भक्तों का बहुत ही अपार समूह साथ गया था। आज भी लगभग हमारे पास 400 के आसपास निशान माता के लेके जा रहे हैं और इसमें लगभग 1000 आदमियों का भंडारा माँ भगवती भोजन सेवा समिति और श्री राधा रानी कृपा परिवार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।